हेलो गाइस, साहू मैडम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे मिसमी टैबलेट के बारे में। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टैबलेट के बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं मार्केट में, उसकी वजह से लोग गलत गलत तरीके से यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये टैबलेट है, एक पिंक कलर के डब्बे में आती है और इसके अंदर एक लेडीज़ की तस्वीर बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर ये जी लैब लेबोरेटरी बनाती है और इसकी अंदर पाया जाने वाला सॉल्ट है, इसके अंदर पाया जाने वाला सॉल्ट है टैडेलाफिल। टैडेलाफिल सॉल्ट एक वो सॉल्ट है जो कि हम कह सकते हैं कि सेडेनाफिल के जस्ट अपोजिट होता है। सेडेनाफिल एक सॉल्ट है जो कि मेंस के सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है और उनके अंदर इरेक्शन पैदा करता है। अगर आपको सेडेनाफिल के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर बनाऊँगा। बट टैडेलाफिल क्या करता है? टैडेलाफिल जैसे कि मैंने बोला, वो मैन के लिए यूज़ करते हैं, तो टैडेलाफिल हम वुमेन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसके अंदर एक वुमेन की फ़ोटो डली हुई है ताकि लोगों को जो पता ना चले, जिसको पता ना हो, वो सीधे ही इसको देख के पता कर सकता है, ठीक है। ये टैबलेट करती क्या है और इसका प्राइस रहता है करीबन 60 रुपये, आप जानेंगे। और टैडेलाफिल इसके अंदर पाई जाती है 10 mg की। ये टैबलेट करती क्या है, अब हम जानेंगे इस टैबलेट का यूजेस क्या है। तो ये क्या करती है ना, बेसिकली लेडीज़ की उत्तेजना को बढ़ा देती है, ठीक है, और उनके सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ा देती है ताकि वो सेक्स करने के और थोड़े बढ़ जाती हैं। वो कैसे होता है, जैसे कि अगर किसी के अंदर हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दें तो उनकी BP मतलब थोड़ी अजीब से लगता है, ठीक है। तो वैसे क्या करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन ना इंक्रीज़ कर देता है ये टैबलेट उनके अंदर जाते ही। और ये ब्लड सर्कुलेशन कौन से एरिया में करता है, वो जेनिटल एरिया में करता है, जो यूनी वाला एरिया होता है उसके अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि उनके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सेक्सुअल आर्मर होते हैं ना, इसके वजह से जो इस्ट्रोजन होता है उनकी वजह से वो थोड़े हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो कि वुमेन में पाई जाती है, तो वो थोड़े सेक्स करने का मन उनका करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई काम धंधा छोड़ के आपके पीछे ही लग जाए। अगर लोग कहते हैं कि ये टैबलेट खाने के बाद उनके पीछे ही लग जाएंगे, मर्दों के पीछे लग जाएंगे, जैसे ऐसा नहीं है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा कोई सोच रहा है तो बिल्कुल ना सोचें, ये अफवाहें हैं बस। तो थोड़े से उनके सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ा देता है ये टैबलेट, उनके हार्मोन्स चेंज कर देता है, इसकी वजह से उनको सेक्स करने का मन करता है बस। और इसके कुछ और ये टैबलेट इसलिए दिया जाता है ताकि उनके अंदर कुछ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ना सेक्सुअल अवेयरनेस ख़त्म हो जाता है, मतलब सेक्स करने का एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है, उनका कभी कोई मन ही नहीं करता। जैसे कि कोई औरत हो, वो 35 साल के थोड़ी ऊपर हो जाती हैं तो उनका मन हट जाता है ये सब में, तो कभी कभी इस समय दिक्कत होती है, उनका मन नहीं करता। बट उनके जो हस्बैंड होता है उनका बड़ा मन करता है, तो हस्बैंड क्या करते हैं, उनको ये टैबलेट देके उनका भी जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है, तो दोनों का ही म्यूचुअल काम चल सकता है, ठीक है। और अगर हम ये टैबलेट देते हैं तो इसका बनाने का एक यही काम है कि औरतें जो जिनको जैसे कि कभी कभी कुछ औरतें होती हैं जो शर्मीली टाइप की होती हैं, जिनको करने का मन करता है बट मतलब मन करता नहीं है, इन द सेंस कि थोड़ा अवॉइड ही करती हैं इस सब के लिए, तो उनका क्योंकि हार्मोन्स की थोड़ी दबाव की वजह से तो उनका ये हार्मोन थोड़ा बढ़ा देता है, सिंपल है, ठीक है। अब इसके डोजेस क्या हैं, मेन इसके डोजेस हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये टैबलेट अगर आपको दूध के साथ मिला के देना है या पानी के साथ मिला के दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट करने से आधा घंटा या 1 घंटे पहले दे दें तो 1 घंटे बाद उनका हार्मोन रिएक्ट करना शुरू करता है, रिएक्शन करना शुरू करता है, तभी 1 घंटे बाद इनकी एक्साइटमेंट बढ़ती है, ठीक है। तो करने से आधे 1 घंटा पहले दे दें। और इसके अंदर पाई जाती है सिर्फ एक ही गोली है, एक ही इस स्ट्रिप में एक गोली पाई जाती है, तो एक गोली ही देना है पूरा, ठीक है। अब इसके ठीक है, ये तो समझ लिया। अब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके प्रिकॉशन ये है कि जिसको हाई BP प्रॉब्लम है उसको ना दें, उस महिला को ना दें, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उस महिला को ना दें, ठीक है। अगर किसी महिला ने अल्कोहल कंजप्शन कर रखा है तो उसको ना दें। लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ ये टैबलेट ना दें, क्योंकि ये मे बी उसके पेशेंट जो अंदर
उनके बच्चा पल रहा है उनको तकलीफ दे सकता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको ना दें, ठीक है, क्योंकि उनका बच्चा जो उनके दूध पीता है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम प्रिकॉशंस हैं जो कि बहुत केयरफुली रह के ध्यान देना है, यानी कि अपने लिए किसी और को ख़राब करना, ठीक है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हैं, ये इंक्रीज कर सकता है बीपी प्रॉब्लम, ठीक है, स्टमक पेन हो सकता है, बैक पेन तो पक्का होगा, बैक पेन होगा ही होगा, मतलब ये बैक पेन होगा और थोड़ी जी मचलेगा इसको खाने के बाद, ठीक है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आप लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाया है, तो इसको लेने से पहले प्लीज़ गायनोलॉजिस्ट और डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।